बच्चों कैसे हैं आप सब? तो ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ जानकारी देने आई हूँ। मेरा नाम है खुशबू रानी, मैं बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु हूँ अभिराम बीएड कॉलेज से। और आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम को संचालित करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सब इस बोर्ड में देख सकते हैं कि मैंने कुछ बनाया है, कुछ लिखा है ना? तो क्या लिखा है मैंने? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 21 फरवरी। एक पेड़ की आकृति मैंने बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। एक किताब की आकृति बनाई है जिसमें कुडुक भाषा में मातृभाषा लिखा हुआ है और यहाँ पर दो स्लोगन है। तो आप सब इस तस्वीर को देख करके ये बता सकते हैं कि आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। क्या आप सब ये बता सकते हैं कि मातृभाषा दिवस क्या होता है? माँ से सीखे जाने वाली भाषा ना। तो चलिए मैं इनके बारे में संक्षेप में आप लोगों को जानकारी देती हूँ। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। और ये जो है 17 नवंबर 1999, जिस तरह से भारत एक देश है, यूनेस्को भी एक देश है, वहां पर यह बोला गया था कि 17 नवंबर 1999 से ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज तक हम सब क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाने के पीछे हमारा कारण यह है कि आज के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, है ना, जो कि हमें होनी नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग नागपुरी भाषा बोल रहे हैं, कुछ लोग आपके घर में कुडुक भाषा बोल रहे हैं, कोई कुड़माली बोल रहे हैं, कोई मुंडारी भाषा बोल रहे हैं, है ना। तो सभी लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं लेकिन उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग आजकल क्या करें, अंग्रेजी भाषा को महत्व दे रहे हैं। अंग्रेजी भाषा जो बोल रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि वो बहुत एडवांस है, और जो नागपुरी भाषा बोल रहे हैं उन्हें एडवांस नहीं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। आप जो मातृभाषा बोल रहे हैं उसको बोलने में हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उसको बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य यह है कि जो ये हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में जो मातृभाषा को लेकर के भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव खत्म हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या करना है, मातृभाषा दिवस जो होता है माँ से सीखे जाने वाली भाषा होती है, जो हम माँ से सीखते हैं। मतलब जब एक बच्चा छोटा होता है ना, जब वो बाल्यावस्था तक पहुंचता है तब वो क्या करता है, अपनी माँ से सीखता है भाषा। उसकी माँ अगर कुडुक भाषा बोल रही है तो वो कुडुक भाषा सीखेगा, अगर वो नागपुरी भाषा बोल रही है तो नागपुरी भाषा सीखेगा, है ना। जो भी भाषा वो अपनी माँ से बोल रहा है, उसकी माँ जो भाषा बोल रही है वो वही भाषा सीखेगा, है ना। तो ये मातृभाषा दिवस है। तो किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो संक्षेप में एक आखिरी बात कि आज जो है 21 फरवरी है और आज के दिन पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाने के पीछे लक्ष्य है कि अपने भाषा को लेकर के जो बोलने में शर्मिंदगी हमें महसूस हो रही वो शर्म ना करें, बल्कि गर्व करें और उसको लेकर के आगे चले। जो भी विविधता पाई जा रही है भाषा को लेकर के उसे दूर किया जाए और इसे हमेशा मनाते रहा जाए। धन्यवाद आप सभी का। Thank you.